हेलो दोस्तों, मैं हूँ अमीरुल खान। स्वागत है मेरे चैनल सोना 3D होम डिज़ाइन में। दोस्तों, मैंने ये घर डिज़ाइन किया है जो कि है 31x50 का। ओके, और यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो मेन एंट्री है ये यहाँ पे है। सामने में इसका पहले रोड है, ईस्ट फेसिंग घर है ये। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं साइड का डिज़ाइन हमारा, रेलिंग का डिज़ाइन हो गया ये, और स्टेयर हमारा एक साइड में है। ओके, और इसमें हमने कितना रूम कितना किचन्स दिया है आपको मैं दिखाता हूँ नक्शा इसका। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये जो घर है ये है 3D डिज़ाइन है। ओके, और इसका मैं आपको अभी नक्शा दिखाने वाला हूँ। ओके, तो चलिए मैं आपको इसका नक्शा दिखाता हूँ। यहाँ देख सकते हैं जो हमारा ईस्ट से है वो है 38 फीट, और उसके बाद नॉर्थ है हमारा 50 फीट, और वेस्ट है हमारा 38, और ये साउथ है हमारा 50। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला हमारा जो है पोर्च है, एक कार पार्किंग। ओके, जो 3D में दिख रहा था ये कॉलम राउंड है। ओके, और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ से मेन एंट्री है हमारा 9 फीट 11 इंच बाई 11 फीट 4 इंच का बरंडा हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ से हमारा देख सकते हैं ये जो 4 फीट का है यहाँ पे 3.5 फीट का गेट, यहाँ से हम डायरेक्ट ऊपर आ जाएंगे। ओके, फर्स्ट छत पे, और इसके बाद ये गेट खोल करके हम डायरेक्ट फिर मास्टर बेडरूम में आ जाएंगे, एक जो कि यहाँ पे गेस्ट के लिए, आप गेस्ट वगैरह के लिए रख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देख सकते हैं एक लिविंग हॉल हो गया, TV LED। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं एक सोफ़ा लगाने के लिए, और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि बेडरूम हो गया हमारा साइड में, जो कि 14 फीट 6 इंच बाई 12 फीट का है। और इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा बेडरूम हमारा 12 फीट बाई 13 फीट 9 इंच का हो गया। ओके, और यहाँ पे सामने में एक किचन रूम हो गया 5 फीट 9 इंच बाई 5 फीट का। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं एक लिविंग हॉल हो गया हमारा, डाइनिंग हॉल। ओके, और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं किचन हो गया हमारा, किचन हो गया 9 बाई 11 फीट 4 इंच का। और यहाँ पे हमारा जो है दो, यहाँ से हमने मतलब सेपरेट कर दिया है पूरा टॉयलेट का हम बात को, जो कि यहाँ से गेट खोलेंगे मतलब बाहर से पता नहीं चलेगा कि इसमें टॉयलेट और बाथरूम कहाँ पे। तो ये गेट जब खोलेंगे तो हमें यहाँ पे 4.5 फीट बाई 9 फीट का टॉयलेट का बाथरूम मिलेगा, और फिर दूसरा जो है 4 फीट 1 इंच बाई 9 फीट का टॉयलेट का बाथरूम मिलेगा। ओके, और यहाँ पे देख सकते हैं हमारा, चूँकि 38 फीट में हमारा कॉलम भी लगा दिए हमने, और यहाँ पे देख सकते हैं एक बेडरूम यहाँ पे हो गया अच्छा बड़ा साइज का हमारा, दूसरा बेडरूम ये है। उसके बाद एक पोर्च हो गया हमारा जो कि छोटा फैमिली के लिए अच्छा है, और इसमें खास बात ये है इस नक्शा का, क्योंकि इसमें आपको बड़ा लिविंग हॉल बड़ा मिल रहा है, एरिया बहुत बड़ा मिल रहा है जो कि होना भी चाहिए। और यहाँ पर 3 रूम बहुत ही अच्छा बड़ा साइज का मिल रहा है, और 2 टॉयलेट, एक किचन मिल रहा है बड़ा 11 फीट 4 इंच बाई 9 फीट का, काफ़ी अच्छा है। और डाइनिंग हॉल के लिए 9 फीट 11 इंच का यहाँ पे खाना खाने के लिए बहुत ही अच्छा बनाया हमने। और इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं बरंडा का साइज हो गया, जो कि आप गेस्ट वगैरह को यहाँ पे भी बैठा सकते हैं, मतलब ये भी आपका एक रूम के साइज काम करेगा। आप अगर आप यहाँ पे एक बेड लगा देते हैं तो गेस्ट यहाँ पे भी रह सकता है। ओके, और यहाँ पे देख सकते हैं 38 फीट, और यहाँ पे हमारा जो डिज़ाइन है ये देख सकते हैं कार हो गया, और यहाँ से डायरेक्ट हम अंदर जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आर्क का डिज़ाइन ये हमारा, और यहाँ पे हमारा रेलिंग हो गया। ओके, और यहाँ पे इसका ममटी का डिज़ाइन देख सकते हैं आप, और ये हमारा छत है जो कि यहाँ से ही हमारा सीढ़ी डायरेक्ट ऊपर जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं साइड में जो कॉलम का डिज़ाइन दिया है हमने, और यहाँ पे साइड में हमने राउंड दिया है छत में डिज़ाइन के लिए। ओके, और इसके बाद दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मैं आपके लिए ऐसा ही नक्शा लाता रहूँगा। और दोस्तों, अगर आपको इसका मतलब जानकारी चाहिए तो आप, मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, और मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ओके, थैंक यू।